छत्तीसगढ़ के किसानों को हो रही खाद्य संकट और अघोषित बिजली कटौती के अलावा विभिन्न समस्याओं पर तहसीलदार को किसान मोर्चा के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया तथा लैंपस पर ताला लगाया गया। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार किसानों को जिस प्रकार किसानी कार्यों के प्रारंभिक चरण में प्रताड़ित कर रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि एक किसान खेती प्रारंभ करने से पूर्व साख समिति पहुंचता है और वहां से खाद व कर्ज लेता है। वह खाद की व्यवस्था सुनिश्चित करता है, किंतु आज साख समितियों में खाद की आपूर्ति नहीं किए जाने के चलते किसान चिंतित है। ऐसी दशा में वह प्राइवेट संस्थानों से खाद की खरीदी करने हेतु मजबूर है, जहां से कालाबाजारी स्वरूप दुगने व तिगने दामों पर खाद की खरीदी हेतु बाध्य है। वहीं सरप्लस बिजली उत्पादन वाले राज्य में बिजली की अघोषित कटौती से किसान अलग चिंतित है। कहीं दिन भर तो कहीं सप्ताह 15 दिनों तक अपनी किसानी बिजली बंद की शिकायतें रहती हैं। इन दोनों विषयों को लेकर प्रदेश के किसान साथी अत्यंत चिंतित प्रताड़ित है तथा किसान मोर्चा के द्वारा निम्न मांग रखी गई है। इसमें भाजपा जिला अध्यक्ष दीपेश अरोरा, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष चंदन साहू मंडल, अध्यक्ष दीपेंद्र नाग सहित भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित थे। माकड़ी से रोशन सेन की रिपोर्ट।